सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें तुम एक्स वाई जेड देखते हो, आगे चल के पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, वहां पे ये सब नहीं होगा, वहां पे इससे ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े टर्म्स बनेंगे, यहाँ तो छोटे छोटे टर्म्स बन रहे हैं ना, बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनेंगे वहां। तो आगे चल के अगर तुम्हें आज क्लैरिटी नहीं होगा ना कि आई कैप का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुआ, बस हवा में, ये हवा में अगर चलोगे तो बहुत दिक्कत होगा कि भैया ने बता दिया बस हो गया, नहीं, आई कैप जे कैप के कैप का भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। उस दिन मैंने किया भी था, उस दिन मैंने करके भी दिखाया था ना कि देखो, जब मैंने वेलोसिटी को निकाला था तो मैंने पूरा किया था और उसमें काटा था आई कैप जे कैप और के कैप के डिफरेंशिएशन को, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर थे, हैं थे नहीं हैं, अगर कॉन्स्टेंट फैक्टर हैं तो फिर उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कोई चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा। आई कैप जे कैप के कैप आर फिक्स्ड यूनिट फैक्टर्स, इस चीज को सोचो समझो, जितना ज्यादा इसका कंसेप्चुअली क्लैरिटी रखोगे अंदर में उतना फायदा होगा। इस चीज को समझो कि आई कैप जे कैप और के कैप एक फिक्स्ड फैक्टर है, उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ आई कैप जिसके सामने जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, इस मीन्स की सॉरी, जो तुम्हारा कंपोनेंट है, जैसे वी एक्स वी वाई वी जेड, वी एक्स क्या है, वी का वो कंपोनेंट है जो आई डायरेक्शन है, वी जेड क्या है, वी वाई क्या है, जे वी का वो कंपोनेंट जो कि जे डायरेक्शन है, और वी जेड क्या है, के का वो कंपोनेंट जो वी डायरेक्शन है, तो उनका डिफरेंशिएशन होगा, बाद वहां के किसी का नहीं होगा। अब नाउ एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो वी एक्स है उसको लिख सकते हैं ना डी एक्स बाई डी टी, उसको लिखा सकता है डी एक्स बाई डी टी, पिछले क्लास से बोल रहे हैं। तो अगर हम इसको सोचें, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो दिस इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सिमिलरली डी वी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। डी वी जेड बाई डी टी क्या होगा, डी टू जेड बाई, डबल डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी आ गया हमारा। तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी टू जेड बाय डी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज पर चलो, थोड़ा सा इस चीज का सोचते हैं क्या है नहीं है। एक अंतिम पॉइंट है जो डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी फोर्स क्या है नहीं है न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे, जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स में, तब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, वी विल सी लेटर, बट अभी हम लोग ये देखते हैं कि वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, समझना। अभी मैं 2D का बात कर रहा हूँ, ये y, ये x है। अब देखो, मान लो मैंने इस तरफ एक यूनिट वेक्टर दिखाया है j कैप और इस तरफ एक यूनिट वेक्टर i कैप, दिस इज j कैप एंड दिस इज i कैप। अब मानो कोई पार्टिकल यहाँ है, तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे मानो तुम ऐसे जा रहे हो, ये तुम्हारा पाथ है जाने का, ठीक है। अब इस पाथ में गौर करो कि एक मान लो तुम दोस्त यहाँ पे हो, तुम तीन दोस्त हो, मान लो लेट सपोज यू आर थ्री फ्रेंड्स, एक है जो कि इस तरफ जा रहा है, इसको ए बोलते हैं, तुम्हारा एक दोस्त इस तरफ जा रहा है जिसको बी बोलते हैं, और एक दोस्त तुम्हारा इस तरफ जा रहा है जो सी जा रहा है। कुछ समय के बाद जब मान लो तुम ए हो, तुम यहाँ पहुंच गए, तुम्हारा दोस्त ऐसे चल रहा है कि तुम जब भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे ना इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा दोस्त यहाँ रहेगा, मतलब सामने तुम्हारे स्टेट, और जब तुम नीचे देखोगे तो तुम्हारा एक दोस्त यहाँ रहेगा।
तुम्हारे चलने और तुम्हारे दो और दोस्त के चलने में क्या अंतर है कि तुम्हारे जो दो दोस्त चल रहे हैं वो एक एक्स की तरफ चल रहा है, सिर्फ एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ चल रहा है। बट तुम जब चल रहे हो तो तुम कुछ वाई में भी चल रहे हो, कुछ एक्स में भी चल रहे हो। तुम्हारा चलना कैसा है समझो, जब तुम चल रहे हो अभी, यानी कि तुम्हारा मोशन है, तो तुम्हारे मोशन में तुम कुछ वाई में भी डिसेंड कर रहे हो, कुछ वाई में भी असेंड कर रहे हो और कुछ वाई में एक्स में भी असेंड कर रहे हो, यानी कुछ पार्ट तुम वाई में चल रहे हो और कुछ पार्ट एक्स में चल रहे हो। तो तुम्हारा जो भी है ना भी, वो कुछ आई कैप में है, भी एक्स आई कैप, कुछ पार्ट जे कैप में, भी वाई जे कैप। तो यहाँ पे जो मैंने भी वेक्टर बराबर भी एक्स आई कैप प्लस भी वाई जे कैप लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जब तुम चल रहे हो ना, तो तुम कुछ एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो और कुछ तुम वाई डायरेक्शन में भी चल रहे हो। इसीलिए तुम्हारा दो कंपोनेंट है, एक जो कि आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, और एक जो जे कैप डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में। भी एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी इस तरफ जो मैग्नीट्यूड है, और भी वाई क्या है, इस तरफ का मैग्नीट्यूड। तो भी एक्स और भी वाई का मैग्नीट्यूड एंड आई कैप जे कैप आर डायरेक्शन। अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी होगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज, दैट इज डी वी एक्स बाय डी टी। आई कैप का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं क्योंकि आई कैप तो एक्स है ना। सोचो तुम कल यहां से एक्सेलरेशन कुछ भी रखो, एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन ही रहेगा, वाई डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन ही रहेगा, उसमें तो चेंज आने वाला है नहीं। तो आई कैप तो तुम एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर दिया ना शुरू में जो कि एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप तुमने एक ऐसा वेक्टर डिफाइन किया जो कि वाई डायरेक्शन में। तो तुम जब आगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका ये मतलब क्या होता है कि वी वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, यानी समय के साथ वी वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है। तो वी वेक्टर का कंपोनेंट हमने इस तरफ लिखा, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली किस टाइप से चेंज हो रहा है, वी एक्स किस टाइप से चेंज हो रहा है, प्लस वी वाई किस टाइप से चेंज हो रहा है, बाद बाकी डायरेक्शन में थोड़ी कुछ होगा। डायरेक्शन एक्स एक्सिस ही रहेगा, तुम तेज चलो स्लो चलो रुके रहो, एक्स डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, तुम तेज चलो स्लो रहो या रुके रहो, वाई डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आई कैप और जे कैप का डिफरेंशिएशन नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ वी एक्स और वी वाई का ही डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि हम लोग वी एक्स को लिख सकते हैं ना, ये क्योंकि हम वी एक्स को ये लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये डिफाइन किया था, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो इसलिए इस टाइप से लिखा गया। तो तुम एक्सेलरेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ भैया, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछो। अब देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों में कुछ सर्टेन चीजें हैं, जैसे मानो कि तुम आगे की तरफ चल रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। तो दरअसल तुम चलना चाह रहे हो आगे की तरफ, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें पीछे खींच रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दोस्त तुम्हें फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तुम चलना आगे की तरफ चाह रहे हो लेकिन तुम्हारा दोस्त चूंकि तुम्हें पीछे खींच रहा है, इसका मतलब तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अब एक काम करो कि तुम आगे की तरफ चलना चाह रहे हो और तुम्हारा दोस्त आगे ही ढकेल रहा है तुम्हें, तो इस केस में तुम्हारा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो यानी अगर मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन मेरे डायरेक्शन में हो वेलोसिटी की, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर डायरेक्शन और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट हो, तो मेरा वेलोसिटी घटेगा। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने अभी तक जितना भी चीजें, जितने भी टर्मिनोलॉजी डिफाइन की, उसमें सिर्फ क्या क्या था, पोजीशन था, एवरेज स्पीड था, एवरेज वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, एवरेज एक्सेलरेशन था और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, लेकिन मैंने एक चीज का बात नहीं किया अभी तक, कोई बताएगा किसका? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी हो रखा है, कौन सा ऐसा टर्म है जो तुमको लगता है छूट गया है? किसी को अंदाजा? अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ बताया हूँ अभी तक, इंस्टेंटेनियस स्पीड थोड़ी बता रखा हूँ,
तो अब देखो इंस्टेंट स्पीड क्यों नहीं बताया अभी तक, जो वेक्टर भी है ना भी, इसका मतलब ये अब देखना, अब जब भी मैं वेलोसिटी का बात करूं तो मैंने पहले ही बोला था जब तक मैं एवरेज वर्ड को ना जोड़ू तब तक तुम्हें वो चाहे इंस्टेंटेनियस ही मानना है। अभी से अगर जब भी मैं वेलोसिटी वर्ड का यूज करूं और आगे एवरेज ना जोड़ू तो तुम लोग को उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही मानना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, की ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहा जाता है। आगे से मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बोल के सिर्फ स्पीड बोलूंगा तो समझ जानना मैं किस स्पीड का बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहा जाता है किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, पॉइंट ये है कि अगर एक्सेलरेशन एंड velocity are in opposite direction, then speed will decrease. Speed will decrease. ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर acceleration and velocity are in same direction, then speed will increase. देखो मैं स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, मैं वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आखिरकार तुम लोग सोचो पांच मिनट, एक मिनट, मतलब सोचो दो मिनट कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि स्पीड इंक्रीज की या स्पीड डिक्रीज क्यों कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी इंक्रीज या वेलोसिटी डिक्रीज क्यों नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं स्पीड का क्यों यूज कर रहा हूँ, सोचो स्पेसिफिकली मैं स्पीड का यूज क्यों कर रहा हूँ ये सोचो। क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे हैं ना इसलिए। हाँ, इसीलिए अगर सोचो डायरेक्शन का बात अभी मैं कुछ करा किया नहीं ना किया कि क्या हो जाएगा डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन चेंज होगा या सेम ही रहेगा। सबसे पहला तो ये दिमाग में लाओ अपने कि अभी जो अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो डायरेक्शन तो हमारा या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल ही हो सकता है, आगे या पीछे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन का, वो कुछ ऐसा है। समझो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से समझो कि मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, कोई डब्बा है मेरे पास, और उस डब्बा का वेलोसिटी अभी है 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। और एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब सोचो कि ये जो डब्बा है इसका स्पीड घट रहा होगा, लेकिन अभी एकदम एकदम इंस्टेंटेनियसली ये बताना, डायरेक्शन तो मेरा यही रहेगा ना जिसको भी मैं एरो से दिखा रहा हूँ, दिस इज माय डायरेक्शन। हो सकता है कुछ देर के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो मेरा अभी कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न अभी सिर्फ इतना है कि इसका अपोजिट होना एक दूसरे के 5 को 5 से कम करेगा, मतलब कि भी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको वो 5 से कम करेगा इस केस में। एंड इन द सेकेंड केस, एक मिनट, जहां पे ये पी फैक्टर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इन दिस केस जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को 5 से ज्यादा करेगा क्योंकि उसके डायरेक्शन में। सिंपल बात है, अगर तुम्हें मान लो कोई गाड़ी का टक्कर हो जाता है, दो गाड़ी का, तो वो रुक जाती है ना क्योंकि उसके पीछे की तरफ लगता है। दो चीजें होती हैं, अगर कोई ये कि आपको थोड़ा सा बुरा टाइप का कुछ और सोचते हैं तुम लोग, कोई बताओ कि कहाँ ऐसा कभी आज तक हुआ हो तुम लोग के साथ, तुम लोग चलना चाह रहे हो लेकिन तुम लोग कोई स्पीड कट कर रहा हो। जैसे कि केस लेते हैं, चलो हाँ ठीक, एग्जांपल मिला, जस्ट थिंक कि आप लोग साइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है। वैसे बोकारो का जो रोड होता है ना, बोकारो का रोड पता नहीं कहाँ से कब उठ जाए, क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो मान लो कि रोड ऐसे गया, ऐसे उठ के फिर से आ गया, तो अब मान लो तुम साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है,
साइकिलिंग करते समय क्या है, ठीक है, साइकिलिंग करते समय क्या है कि तुम जाना तो ऊपर चाह रहे हो लेकिन तुम्हें ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। अभी ग्रेविटी ग्रेविटी क्या है ध्यान बस सुनते जाओ, तो तुम्हारा स्पीड तो आगे की तरफ है यानी वेलोसिटी फैक्टर इस तरफ है बट एक्सेलरेशन तुम्हारा इस तरफ है। तो इस केस में तुम लोग गौर करते होगे ना कि तुम लोग को ऊपर चढ़ाने में, या मान लो तुम ब्रिज पे चढ़ रहे हो तो ब्रिज पे चढ़ते समय तुम्हें दम ज्यादा लगाना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि जो नेचुरल तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है ना ग्रेविटी, वो तुम्हारे स्पीड को कम करना चाह रही है क्योंकि तुम आगे जाना चाह रहे हो और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, जिसके कारण कि तुम्हारा स्पीड घटने लगता है और तुम लोग यहाँ पर चढ़ नहीं पाते हो। अब एक और केस लो कि तुम यहाँ पे चढ़ गए और अब तुम उतरना चाह रहे हो, उतरने के लिए तुम्हें पैडल मारने का जरूरत भी नहीं पड़ता। पैडल मारने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ से उतरते हो तुम सीधे निकल गए, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जिस तरफ तुम्हारा खुद का स्पीड है वेलोसिटी है। तो इस केस में जो तुम्हारा जी है, जो तुम्हारा नेचुरल एक्सेलरेशन है, वही तुम पे सारा काम कर दिया और तुम्हारा स्पीड इंक्रीज कर दिया। तो बस सिंपल सा केस है, जहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारे अपोजिट है वहाँ तुम्हारा स्पीड घटेगा, जहाँ एक्सेलरेशन तुम्हारे तरफ है वहाँ तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे तुम लोग कुछ अच्छा खासा सोचते क्यों नहीं यार, तुम लोग ब्रेन को ना दोहराओ कि कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या, सर तो भैया ने जो भी बोला उस पर क्या था, क्या उन्होंने बोला, क्यों ऐसा सोचा, कंसेप्चुअली उसका क्या क्लैरिटी आएगा, ये सब सोचो। देखो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन, एक चीज मैं लिखा रहा हूँ, इस पॉइंट का महत्व समझना भी, जो मैं लिखा पहले लिखाता हूँ फिर मैं इस पॉइंट का महत्व तो बताऊंगा, इम्पोर्टेंस बताऊंगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे और बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं समझे तो आगे चल के बहुत कंफ्यूजन पैदा होगा इस चीज़ से। तो जितना हो सके अभी मैं दिमाग सभी तरह रखूं, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कभी भी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो हमेशा ध्यान में रखना कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के इधर ही होगा, चाहे उसका एक्सेलरेशन किधर भी हो। कभी भी मूविंग बॉडी का ध्यान रखना, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका एक्सेलरेशन डिवाइड नहीं करता उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे तुम देख रहे हो उस बॉडी को। जब कभी भी तुमसे कोई पूछे ना कि बताओ डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी बॉडी का क्या है, तो उस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका वेलोसिटी ही होगा, जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, सॉरी। तो जो किसी बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना किसी इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, वही उसके मोशन का डायरेक्शन। लेकिन अगर बॉडी रुका हुआ है, अगर बॉडी रुका हुआ है तब उसके डायरेक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो वो उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है कि बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जब वेलोसिटी उसका जीरो यानी बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो बॉडी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। ये ध्यान रखना, बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर से एक बार समझो, अगर कभी बॉडी रुका हुआ है कोई बॉडी, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, और अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ होगा। बस यही कॉमन चीज है जो बोलता है। अब मैं क्यों इसको कंफ्यूजिंग बोला या क्यों इंपॉर्टेंस बोला, वो जब तुम लोग सही में डायनेमिक्स में अंदर बेसिक कोर डायनेमिक्स को जब सर्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं इसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ इस पार्टिकुलर पॉइंट को। इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को, और जितना हो सका इसका एग्जाम्पल सोचिए। जैसे तुम लोग को एग्जाम्पल देते, चलो तुम लोगों ने कुछ वो नाइन्थ में तो कुछ ना कुछ एक्स ग्रेविटी वेविटी तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। चलो एक चीज दिखाते हैं, इस पॉइंट का मतलब समझाते हैं। एक बॉल को ऊपर फेंक दिया लेटर सपोज,
लेट अस थ्रो अ बॉल इन अपर डायरेक्शन. अब ये बॉल धीरे 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 ऊपर जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां ये रुक जाएगी. अब तुम एक चीज सोचना इस क्वेश्चन, एक चीज में सोचना इसमें कि यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जहां पे रुका, बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, बल्कि जबकि एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में, बॉल का मोशन यानी कि जो बी का डायरेक्शन है वही मोशन का डायरेक्शन है. जैसे ही बॉल बी पे रुका, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जी इस तरफ है, देखो मोशन भी इसी तरफ शुरू हो गया ना, बड़ी मूव इसी तरफ करना शुरू कर दिया. हाँ, उसके कुछ देर के बाद फिर से उसके पास वेलोसिटी आएगा, लेकिन उस इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, अगर मैं बोलूं बी पॉइंट पे जो उसके डायरेक्शन को डिसाइड किया वो कौन था, उसका एक्सेलरेशन. तो जब ए से बी तक जाते समय उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करने वाला जो टर्म था वो था बी, जो तुमने इनिशियली उसको थ्रो करते समय दिया. लेकिन बी पे जैसे ही बॉल रुका तो उसका डायरेक्शन डिसाइड कौन किया, जो एक्सेलरेशन था. तो बस यही बोलना चाह रहा है वो, जब तक बड़ी मूव कर रहा है तब तक उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, उसका वेलोसिटी. और जैसे ही बड़ी रुका तो अगर कोई एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, उसके जस्ट बाद उसका डायरेक्शन उसका जी डिसाइड करेगा. जस्ट बाद उसका डायरेक्शन यानी जी मतलब कि उसका एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा. ठीक है? ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो चलो क्वेश्चन करते हैं. x बराबर दिया है, x मतलब पोजीशन, वन डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी सिर्फ x में ही काम चलाएंगे. ये दे रखा है वेयर, जहां पे कि x क्या है, पोजीशन इन मीटर, और t क्या है, टाइम इन सेकेंड. पता क्या करना है तुम्हें, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 7 सेकेंड, यानी शुरुआत के 7 सेकेंड में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पता करो. अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. पहले ट्राई करो फिर देखते हैं.
आया? चलो देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे जैसे हुआ अरे कोई तो कुछ बोलो, एकदम शांत हो तुम। नहीं बोलना है आज, मौन व्रत है। बोलो तो बोलो कि नहीं। चलो तो मुझे एक्स दे रखा है ना, तो पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 7 सेकेंड। ओके अब पहले ये समझो ये है क्या, एक्स क्या है, पोजीशन इन मीटर क्या, पोजीशन इन मीटर मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जब कभी भी हम लोग पोजीशन डिफाइन करते हैं ना तो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके अब यहाँ पे चूंकि वन डायमेंशनल मोशन का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आने की तुम्हें 3 लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स वाई जेड, तुम सिर्फ एक लाइन से काम चला लोगे। एक लाइन से खाने का मतलब समझते, हमने एक लाइन चूज कर लिया, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये शुरू यहीं से हो रहा है। अब हमें जो एक्स दिया है ना वो एक्स कुछ नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बस यही है, ये ध्यान रखना। एक्स कुछ नहीं है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, तुम सिर्फ एक लाइन में पढ़ते जा रहे हो। ठीक है अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इफ अगर हम टी को 0 पुट कर देते हैं, टी को 0 मतलब पुट करना होता है जिस समय से तुम उसके उसको ऑब्जर्व करना शुरू किए हो। टी 0 मतलब समय अभी 0 है, इसका मतलब तुमने जस्ट अभी घड़ी देखना शुरू ही किया। जैसे जैसे तुमने घड़ी शुरू किया तो एक्स क्या आ जाएगा, सोचो एक्स का वैल्यू क्या है बताओ। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? 10 मीटर। ठीक है इसका मतलब है कि जब तुमने इसको देखना शुरू किया वो 10 मीटर पे, यही ना, जब तुमने उसको देखना शुरू किया तो वो 10 मीटर है, इससे 10 मीटर की दूरी यानी दिस डिस्टेंस इज एट 10 मीटर। ओके ठीक है अब तुमसे पूछ क्या रहा है कि 7 सेकेंड यानी शुरुआत के 7 सेकेंड उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब एक ही बताओ 7 सेकेंड पे कितना कहाँ पे है वो, एट टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड एक्स बराबर कितना है बताओ, टी के जगह 7 पुट कर कितना आता है, 31 मीटर। 31 ना, तो यानी अभी वो 31 पे कहीं पे है। तो तुम लोग खुद बोलो, तुम लोग खुद बताओ कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ शुरू के 7 सेकंड में, वो किसके बराबर होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है ये बताओ, उसके लिए डिफिनेशन बताओ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का। देखो अगर शांत रहोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे, मैं भी अभी बोलता हूँ। सबसे पहले ये आदत छोड़ो शांत रहने की, बहुत गलत आदत है, आदत है तुम लोग के अंदर। कोई तो आगे बढ़ के आया करो कि बोलो हाँ भैया बोलिए क्या कहना है, गलत हो गए अभी गलत हो गए आगे गलत नहीं होगे ना, ये सोचा करो। सीखने का समय है अभी तुम लोगों का, तुम लोग अगर गलत भी हो ना तो भी गलत नहीं हो, क्यों, क्योंकि अभी तुम लोग सीख रहे हो, ये ध्यान हमेशा रखना। तुम लोग अभी गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग सीख रहे हो, गलत हम लोग हो सकते हैं अगर अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं ना तो गलती हम लोग से हो सकती है, तुम लोग से तो कभी हो ही नहीं सकते अभी, सब चीज़ों से डरो मत। टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड 31 ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अब याद करो, डिस्प्लेसमेंट का याद करते हैं डिफिनेशन।
चेंज इन पोजिशन, यही होता था ना, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजिशन ही होता था ना, हाँ या ना? तो चेंज कितना का आया, पहले वो यहाँ था इनिशियली, उसको ए बोलते हैं, फाइनली वो बी पे आया, चेंज कितना का आया, दिस इज अ चेंज, दिस इज अ चेंज इन एक्स, कई चेंज है ना एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का हो, कवर किया। अच्छा तो क्या हम लोग 21 मीटर को डिस्टेंस नहीं बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं, याद है मैंने बोला था ना डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, यानी 21 मीटर, याद करो मैंने एक इनइक्वलिटी लिखाई थी ना तुम लोग को, ये लिखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने फिर ये भी बताया था कि ये इक्वल कब होते हैं, ये इक्वल तब होते हैं जब उनका मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, यानी पार्टिकल आगे जा रहा है तो सिर्फ आगे ही चलते जा रहा है, तभी सिर्फ ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना, एक बात तो कंफर्म है कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, चेक करो कि कहीं ये डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं किया अपना किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में जीरो से सात के बीच में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मानो पार्टिकल यहाँ पे था पहले, ठीक है समझते हैं, फिर कुछ पार्टिकल यहाँ पहुँच गया अंतिम में, यानी कि तुमने t इक्वल टू जीरो पे फोटो खींचा तो पार्टिकल यहाँ था, और t इक्वल टू सेवन पे फोटो खींचा तो पार्टिकल यहाँ था, लेकिन सोचो पार्टिकल यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच सकता है, एक तरीका है कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, जिसमें कि वो अपना डायरेक्शन कहीं रिवर्स ही नहीं किया, यानी सिर्फ आगे चलते जा रहा था, आगे चलते जा रहा, आगे चलते जा रहा, एक तरीका ये हो सकता है कि वो ऐसे जाए, फिर उसके बाद पहले वो ऐसे जाए, फिर कुछ पीछे आए, और फिर यहाँ से आगे जाए, ये भी तरीका हो सकता है कि पहले वो कुछ और आगे जाए, फिर वो कुछ इधर आए, और फिर कुछ इधर जाए, तो अभी भी t इक्वल टू जीरो पे वो 10 मीटर पे है, t इक्वल टू सेवन पे 31 मीटर पे है, लेकिन अब डिस्टेंस 21 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस के लिए पहले तुम्हें इसका लेंथ पता करना होगा, फिर इस छोटे वाले का लेंथ पता करना होगा, फिर इस छोटे वाले का लेंथ, इस बड़े वाले का लेंथ पता करना होगा। एक और तरीका हो सकता है कि ये यहाँ ऐसा करे कि पहले यहाँ साथ पे कहीं पहले पहुंच जाए, फिर यहाँ आ जाए, और फिर ये यहाँ आ जाए, तो तीसरे केस में भी तुमको चीज पता चल रहा है ना कि t इक्वल टू जीरो पे है तो वो 10 मीटर पे, t इक्वल टू सात पे है वो 10 मीटर पे, लेकिन इस केस में वो तिगुना डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट के तिगुना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यानी उसका बीच का मोशन कैसा है, इसको बिना बताए हुए तुम लोग डिस्टेंस पे कमेंट नहीं कर सकता है। अब वो कैसे करते हैं, तो समझो इस मोशन, इस वाले पहले वाले मोशन, दूसरे वाले मोशन और तीसरे वाले मोशन में क्या अंतर है सोचते हैं, फिर बताएगा पहले तीसरे चौथे पहले दूसरे चौथे में क्या अंतर है, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मोशन, एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ, इसका मतलब क्या, ये टाइप का मोशन हमने इसको दे दिया, चलो इस टाइप के हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं इस टाइप का मोशन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइप का मोशन, सेकेंड टाइप का मोशन और थर्ड टाइप के मोशन में क्या अंतर है कोई बताएगा, देखो ये जो मोशन है ना, इस मोशन में क्या है कि किसी भी यहां से बॉडी शुरू किया और किसी भी पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, हर पॉइंट पे सोचो तुमको एक चीज दिखेगा कि हर पॉइंट पे वो आगे की तरफ ही जा रहा है, इस मोशन में क्या है कि वो इस पॉइंट पे आके अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले इस तरफ जा रहा था अब इस तरफ, फिर इस पॉइंट पे आके अपना डायरेक्शन चेंज किया, पहले इस तरफ फिर इस तरफ, इस मोशन में क्या है कि इस पॉइंट पे आके बॉडी ने अपना डायरेक्शन को इस तरफ से इस तरफ कर लिया, फिर इस पॉइंट पे आके उसने अपना डायरेक्शन को इस तरफ से इस तरफ कर लिया, यानी इन दो मोशन के बीच में बॉडी ने अपने डायरेक्शन में दो बार चेंजेज लाए, हो सकता है 10 बार चेंज आया हो, कोई नहीं पता, लेकिन चेंजेज आए,
बट इस वाले मोशन में चेंजेस नहीं आए, तो तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन में चेंज आया कि नहीं आया है, ध्यान रखना। अगर डायरेक्शन में चेंज आ गया मून के दौरान तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं आया तो फिर क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बराबर, तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे पता करें कि डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दिमाग हमेशा रखना हमेशा। अब तुम लोग इस चीज को कितना गौर किए अपने रियल लाइफ से ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ एक्चुअली में जब तुम देखोगे ना कभी, ठीक है कभी गौर करना, अगर चलाते चलाते तो जब भी तुम डायरेक्शन को रिवर्स करते हो ना, जब कभी भी डायरेक्शन रिवर्स होता है तो तुम्हें अपना स्पीड को रोकना जीरो करना पड़ता है। डायरेक्शन कैन ओनली बी रिवर्स इफ यू, अगर तुम डायरेक्शन कभी भी रिवर्स करते समय क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट पे आके रुकते हैं फिर पीछे करते हैं साइकिल को, तब तो पीछे होता है। हाँ अगर हीरो बनने का मन है तो वो मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लो, वो अलग बात है। बट कभी भी डायरेक्शन तुमको चेंज करना है ना, तो तुमको कभी भी चाहे तुम हीरो बनो ना बनो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब कभी भी डायरेक्शन को चेंज करना होता है ना, तो हमें पहले गाड़ी को रोकना पड़ेगा और फिर हमें उसको पीछे करना पड़ेगा। तो तुम्हें ये देखना है कि इस मोशन के दौरान कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं है, जहां रुकेगा बस पार्टिकल पीछे की तरफ भागने लगेगा। अब देखते हैं एक बार क्या करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास x दे रखा है कितना, tan t माइनस t स्क्वायर प्लस tan। सबसे पहले इसका भी निकालो, बताओ भी किसके बराबर होगा, tan माइनस 2t ये होगा dx बाय dt के बराबर, और dx बाय dt यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यानी कि tan माइनस 2t। अब वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट करो सबसे पहले। ये हमें ये बताता है कि t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी जीरो हुआ है। तो यानी इस केस में जो तुमको भी मैंने दिया क्वेश्चन, उस केस में डायरेक्शन रिवर्स हुआ है। इसका मतलब कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो अब स्टडी फिर से सोचते हैं क्या करना है। अब क्या करना ये बताते हैं, फिर से इसको बनाओ। अब क्या करना है, टीजिकल टू जीरो पे देखना है 10 मीटर, फिर टीजिकल टू 5 सेकंड पे देखना है। तो बताओ 5 सेकंड पे कितना पोजिशन है उसका, टीजिकल टू 5, एक्स बराबर क्या है, अब बताओ जीरो से टीज इक्वल टू जीरो से टीज इक्वल टू 5 के बीच में क्या पार्टिकल कहीं भी अपना डायरेक्शन रिवर्स किया, कहीं भी टीज इक्वल टू जीरो से टीज इक्वल टू 5 के बीच में भी तो कभी जीरो हुआ ही नहीं, क्योंकि भी पहली बार जीरो 5 पे ही हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचा, 10 से 35 पे डायरेक्टली पहुंचा, उसके बाद पार्टिकल डायरेक्शन को रिवर्स किया, तभी तो t इक्वल टू 7 पे x बराबर 31 आया ना। सोचो फिर पार्टिकल 31 पे पहुंचा ना, पार्टिकल 31 पे पहुंचा, कारण ये है कि पार्टिकल फिर अपना डायरेक्शन रिवर्स करके यहां से यहां पहुंचा, यानी पार्टिकल पहले यहां से यहां चला और फिर यहां से यहां। दिस डिस्टेंस इज 25 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, टोटल लेंथ जितना चला, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 29 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 21 मीटर था बट डिस्टेंस 29 मीटर है। अब एल्गोरिथम समझो बनाने का क्या है। अब यहाँ से तुमको कोई फिजिक्स नहीं बता रहे, बस तुमको बता रहे क्वेश्चन कैसे बना लेना। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। डिस्टेंस 39 मीटर हो गया ना, डिस्टेंस 39 मीटर मतलब 35 मीटर ना वो ट्रैवल, अब 25 लिखे हैं। नहीं, ये 10 से 35, पहले 10 पे था, अब वो 35 पे है, तो टोटल चला कितना यहाँ से, यहाँ 0 है ना, ये पहले t = 0 पे वो 10 मीटर पे है, t = 5 पे वो 35 मीटर पे है, तो वो 10 से चलना शुरू किया और 35 पे जाके रुका ना।
10 से 35 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो? 25 मीटर. ठीक है, अब समझ में आया. तो अपने को इस क्वेश्चन को बनाने में क्या करना था? ओ, सबसे पहले क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकालने का. डिस्प्लेसमेंट निकालने में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. अगर जहां से जहां के बीच में पूछे तो पहले वहां पे पोजिशन निकालो, फिर वहां पे पोजिशन निकालो और दोनों का डिफरेंस निकालो, तुमको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. बट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, पहले तुम्हें डीएक्स बाई डीटी करके उसको जीरो से इक्वेट करना. मान लो तुम्हारे पास टाइम टी वन आया, तो पहले तुमको टी बराबर जीरो से टी बराबर टी वन तक का डिस्टेंस निकालना है, और फिर टी बराबर टी वन से टी बराबर टी फाइनल तक का निकालना है. तुम्हें डिस्टेंस ऐसे निकालना है. इस क्वेश्चन के मतलब अभी जो तुमको क्वेश्चन दिया उसमें तो मात्र एक टी वन आया, हो सकता है कल को 2-3 टी वन आए, तो तुम्हें फिर वो सब लैप निकालना पड़ेगा. हर एक लैप का डिस्टेंस निकाल के तुमको जोड़ना पड़ेगा. तो कुछ उस टाइप से फिर तुम्हारा आंसर आएगा. समझ में आया? हाँ भैया. चलो एक क्वेश्चन करो.
हुआ बच्चों? चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि उसको निकालना आसान होता है। अरे कब से कब तक बोले, ये तो लिखी नहीं तुम लोग तो। अरे गलती हो गया, कब से कब तक बोले। अच्छा तुम लोगों ने कब से कब तक निकाला? पहला 7 सेकंड निकाल लिया। 6 सेकंड तक। 6 सेकंड तक। चलो तुम लोगों ने इनिशियल इनिशियल तुम लोगों को बोला था ना, मैं भूल गया। इनिशियल 6 सेकंड, ठीक है। इनिशियल 6 सेकंड तक तुम लोगों को निकालना है। ओके डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू, सॉरी एट t इज इक्वल टू 0, x बराबर 620 है। एट t इज इक्वल टू 6, x बराबर कितना है? 20, क्योंकि 6 6 30 6 20। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि पहले भी 20 पे है, बाद में 20 पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब डिस्टेंस का बात करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो ताकि तुम्हें स्पीड आए। 6 - 2t, इसको 0 से करो तो t बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, यानी कि 3 बराबर 3 सेकंड पे रिवर्स कर रहा है। तो x बराबर 0 पे, सॉरी t बराबर 0 पे x जो आया वो आया 20, t बराबर 3 पे x जो आया वो आया 29। तो कितना डिस्टेंस चला? 9 मीटर। फिर t बराबर 6 पे x बराबर 20, फिर अब कितना डिस्टेंस चला? 9 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस बराबर 18। समझ में आया यहाँ तक? सबका ही है। चलो अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, मैच सॉरी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, फिर बनाएंगे।
ये क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें एक पार्टिकल दे रखा है जो कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तुम्हें बताना है कि इन चारों में से कौन सही है, करेक्ट ऑप्शन बताना। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, एक से अधिक सही हो सकता है, बताओ कौन कौन सही लगता है। सबका मैं पूछूंगा इस बार, छोड़ूंगा नहीं किसी को, मतलब सबको देना आंसर, और मैं सबका यहाँ नाम लिख के बनाऊंगा टैली, कौन कौन दे रहे हैं आंसर, नहीं दे रहे हैं। छोड़ के जाने का तो कोई कोशिश मत करना। अरे बोल रहा हूँ, नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, उज्ज्वल, श्रेया, ज्योति, दिव्यांगी और कौन है, ठीक है, आर्यन। तो बताओ सबसे पहले, चलो टाइम ले लो पहले 5-10 मिनट। आराम से देखो, मैं लिख लूंगा। हाँ उज्ज्वल बताओ कौन कौन सही होगा। बी और सी। वैष्णवी, 2 मिनट भैया। चलो मैं 2 मिनट और देता हूँ। भैया बी और सी। बी और सी। श्रेया, क्या आवाज नहीं है श्रेया? जूही तो है नहीं। दिव्यांगी, आर्यन, बी और सी। दिव्यांगी तुम बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे कुछ तो बोल दो जो तुमको लग रहा हो आ रहा है समझ में। बी। भैया का तो आवाज आंसर विल बी बी एंड सी। डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना, डिस्टेंस तो एक पॉजिटिव नंबर होता है, पता ही, अगर वो चल रहा है तो। अगर कोई आदमी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये बात तो कंफर्म है। डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पर लौट आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एवरेज वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, बस। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस ही जीरो। और एवरेज स्पीड का डिफिनेशन हम लोग जानते ही है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो जीरो होगा नहीं क्योंकि टाइम बीत रहा है, टाइम तो जीरो है नहीं और डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारा आंसर पेपर से बी सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कुछ कह रहा है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कुछ कुछ स्टेटमेंट है जो तुम्हें बताना है गलत है या सही है, मैं चारों लिख देता हूँ फिर तुम लोग बताना। चार स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इन चार में से हो सकता है कोई सही होगा हो सकता है कोई गलत होगा, तुम्हें बताना है कौन कौन सही है इन चारों में से। ढूंढो देखो मिलता है। है बच्चों भैया वन और थ्री होगा शायद। कैसे कैसे क्या हो रहा है देखते हैं अच्छी चीज को। हाँ तो पहला कुछ पहला पॉइंट ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरे ख्याल से ये तो सही होना चाहिए,
मैंने ये लिखाया भी था कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है. अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट विल बी करेक्ट. डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये मैंने जिस समय एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया तब भी लिखाया था और अब भी जान लो. दूसरा, ऑन अ नॉन लीनियर पाथ वेलोसिटी मे बी कॉन्स्टेंट. मेरे ख्याल से तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? सेकेंड वाले में क्या दिक्कत लग रहा है? नॉन लीनियर सेकंड वाला सही नहीं होगा ना. अच्छा एक मिनट, नॉन लीनियर मतलब पाथ कुछ स्टेप्स होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं. ठीक है, अब वो वेलोसिटी का बात कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा. ओके, अब वो बोल रहा है कि ऑन अ नॉन लीनियर पाथ वेलोसिटी मे बी कॉन्स्टेंट. सबसे पहला बात वो बोल रहा है मे बी कॉन्स्टेंट, यानी हो सकता है नहीं भी हो सकता है. अच्छा चलो चल के देखते हैं क्या लगता है. चलने से डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चलो मान लेते हैं इसमें के लिए कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जब चलना शुरू करेंगे तो डायरेक्शन का ये होगा, बताया था ना टेंजेंट टू द पार्ट होता है, फिर इस तरफ हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद इस तरफ हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद इस तरफ, कुछ देर बाद इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ. यानी जैसे जैसे इसमें पाथ पे चलूंगा ना डायरेक्शन चेंज होना तय है, क्योंकि ये पाथ नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर का नहीं होता स्ट्रेट लाइन नहीं होके कुछ टेढ़ा मेरा पार्ट. तो ये बात तो सही है कि टेढ़ा मेढ़ा पार्ट चलने पे भी कांस्टेंट नहीं होने वाला, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा. और वेक्टर दो तरीका से चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड, तीन तरीका से हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए. यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता एक नॉन लीनियर पाथ. लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो हो तो इक्वल टू जीरो, तो क्या कह सकते हैं? पार्टिकल रेस्ट पे है तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे तो कुछ कह सकते हैं क्या? पार्टिकल अगर रेस्ट पे रहेगा तब तो मूव नहीं करेगा, तो उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा. इस पे क्या कहना है? बोलो सही लग रहा है ये? भैया आपका आवाज नहीं आ रहा. हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हाँ भैया. ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं भी को जीरो कर दूँ, भी को जीरो कर दूँ, तब तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तब तो काहे का चेंज आएगा उसमें. क्या सही लग रहा है ये चीज? क्या लगता है ये चीज सही है? इससे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या सेकंड को कि सही होगा? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ो. वैसे इसका आंसर होगा नहीं होगा टू. कारण ये है, कारण ये है कि नॉन लीनियर पाथ होने का फिर क्या पता. अगर बड़ी रेस्ट पे है तब तो, बड़ी रेस्ट पे है तब तो कुछ भी अलग बात होगा. वेलोसिटी मे बी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट का मतलब अगर पार्टी रेस्ट पे ही है तो फिर उससे नॉन लीनियरिटी ऑफ पाथ से तो कोई फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा. तब तो बहुत चीज़ रेस्ट पे रहने से हो सकता है. बात यह है कि अपन रेस्ट वाला केस ना ले तो चलेगा, रेस्ट वाला केस नहीं देंगे. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जरूर हो सकता है, बेशक हो सकता है. अभी जैसे देखो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ, जबकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ था. तो स्ट्रेट लाइन पाथ होने के बावजूद भी तो ये जीरो हुआ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो आंसर थर्ड भी होगा. फोर्थ क्या कहता है? ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. नहीं, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता. क्यों? डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब जो पार्टिकल जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे लौट आए, जिस पार्टिकल जहां से शुरू किया वहीं से, और लौटने के लिए उसको कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और डायरेक्शन को रिवर्स करते समय उसको रुकना पड़ेगा. तो चलते चलते रुक गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पीड तो चेंज हो ही गया ना, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहा नहीं. अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है
तो पार्टिकल जहां से शुरू किया पार्टिकल को फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा, और अगर पार्टिकल जहां से शुरू किया फिर से वहीं पहुंचना है तो पार्टिकल को कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करते समय उसका अपना स्पीड को किसी ना किसी पॉइंट पे तो जीरो किया चेंज तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा फिर तुम्हें पीछे मुड़ना पड़ेगा, तो रुक के पीछे मुड़ना है मतलब तुम्हारा स्पीड कॉन्स्टेंट हो ही रहा, तो उस केस में तुम्हारा स्पीड चेंज हो जाएगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 3। समझ में आया बच्चों? ओके चलो भैया बोलो। इसमें तो मतलब स्पीड के बारे में दिया हुआ था और स्पीड का तो डायरेक्शन होता है, तो मतलब इस हम लोग कैसे कह सकते हैं ये स्टिंट सही है कि गलत है? ये फोर्थ ऑप्शन। हाँ भैया यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी दिया है। नहीं नहीं देखो अगर स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ठीक है, तो स्पीड में जो चेंजेस आएंगे वो तो उसके मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण ही आने वाला है, सिंपल सा लॉजिक है। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है पूरे मोशन के दौरान, लेकिन तुम सोचो डिस्प्लेसमेंट को जीरो करने के लिए मैं जिस पॉइंट से चला मुझे उस पॉइंट पे लौटना है, तो जिस पॉइंट से चल का तो मुझे कहीं ना कहीं बीच में तो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा ना, सोचो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं सीधे जा रहा हूँ सीधे जा रहा हूँ फिर मुड़ूंगा तभी तो वहां लौट पाऊंगा ना, तो मुड़ने के लिए मुझे स्पीड को जीरो करना पड़ेगा। तुम खुद सोचो अपने आप को एक समय इमेजिन करो कि तुम साइकिल से एक सीधे चल रही हो ठीक है, एक समय तुमको पीछे मुड़ना है तो तुमको साइकिल रोकना पड़ेगा कि नहीं ये बताओ। हाँ तुम बोलोगे भैया मैं एक चीज और कर सकती हूँ, छोड़ो देखो ऐसा कर सकती हूँ ऐसे जाऊँ और ऐसे घूम के ऐसे करके आऊँ, तब तो मैंने चेंज ही नहीं किया कि तुम्हें तब चेंज करना नहीं पड़ा, लेकिन क्या फिर ये एक लीनियर मोशन रह जाएगा? क्या ये स्ट्रेट पाथ का केस होगा फिर? नहीं क्योंकि तुम यहाँ से फिर इस तरफ मुड़ गई ना, तो तुमने इस तरफ का मोशन अपनाया, पहले इस तरफ फिर इस तरफ, दिस विल नॉट अ स्ट्रेट पाथ, दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप फर्स्ट एंड देन रिवर्स योर डायरेक्शन, इसीलिए उसमें स्पीड को तुमको क्या करना पड़ेगा चेंज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड में चेंज। समझ में आया? ओके चलो अब अगला चीज देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुमने तीन इक्वेशंस पढ़ी होंगी जब तुम लोग बहुत छोटे हो गए, यानी जब तुम लोग तुम्हारे अपने बचपन में तुम लोगों ने ये तीन इक्वेशन पढ़ी होगी। क्या सही बोल रहा हूँ ना? पिछले साल ही पढ़े थे। हाँ तुम लोग बहुत बड़े हो गए पिछले साल से इस साल। चलो कोई नहीं, ये तीनों इक्वेशंस अब हम लोग इसी तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अभी कैसे आता है ये क्वेश्चन, कहाँ से निकल के आता है? और सबसे बड़ा बात, मैंने जब जो पहला क्लास लिया था तो मैंने ये पूछा भी था कि ये फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं, तो शायद वैष्णवी या किसी ने बोला भी था ये तब होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं, तो बस यहाँ पे है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये पढ़ते हैं अपन ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या आता है। सबसे पहला चीज देखो, हमें जो मालूम है हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है एक्सेलरेशन बराबर वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर बाय डी टी। अब एक काम करो, इस डी टी को इस तरफ ले आओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली मान लो यू, फाइनली मान लो वी, शुरू में मान लो जीरो, टाइम जीरो से टी टाइम तक गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए इंटू टी बराबर, ये क्या हुआ डिफरेंस, ये हो जाएगा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, विच इम्प्लाइज डेट वी वेक्टर बराबर इस यू को इस तरफ ले आओ, यू वेक्टर प्लस ए टी। अब एक चीज गौर करो, ये एक्सेलरेशन एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोगों ने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाया ना, इसलिए हम लोग इसको एक्सेलरेशन से, सॉरी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से
बाहर निकाल पाए, और फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इस डी टी को इंटीग्रेट करने पे टाइम मिलेगा टी माइनस जीरो टू टी, और डी वी को इंटीग्रेट करने पे वी वेक्टर मिलेगा, फाइनल वी वेक्टर इनिशियल यू वेक्टर, तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, और हमने यू वेक्टर को फिर इस तरफ लेके आ गए, तो हमारा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। तो तुम लोगों ने देखा ना ये जो फॉर्मूला वहाँ तुम लोगों ने पढ़ा, तो दरअसल डिफ्रेंशिएशन से आराम से डिराइव हो जाता है। दूसरा हमारे पास है वी वेक्टर बराबर dx by dt, हमारे पास ये भी तो होता है v वेक्टर बराबर dx by dt, तो v वेक्टर into dt बराबर dx वेक्टर। अब v वेक्टर तो कांस्टेंट है नहीं है वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो मान रहे हैं कि क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है ये हम लोग नहीं जानते, तो अगर मैं दोनों तरफ एक्सेलरेशन यहाँ से ये करूँ जीरो से टी, यहाँ से मैं करूँ मान लो जी, मान लो इनिशियली कहीं x1 पोजीशन पे था, फाइनली कहीं x2 फैक्टर है, तो एक मिनट रुको, यहाँ एक अच्छा चीज है, इन जनरल वेक्टर के लिए प्रूफ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा। तो यहाँ पे अब इस वी वेक्टर को बाहर निकालना हमारे लिए तो आसान बात होगा नहीं, तो हम लोग ऊपर के इक्वेशन का साथ लेंगे एंड सब्स्टिट्यूट वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। अब देखो इस केस इसमें क्या है कि ना यू भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल स्पीड तो कॉन्स्टेंट ही, मतलब कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ही तो होगा ना, शुरू में बॉडी किस वेलोसिटी से चल रहा है वो तो कोई पार्टिकुलर नंबर ही तो होगा, और ए वेक्टर तो हमने मान ही रखा है कांस्टेंट है, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बी की जगह, तो दिस विल इक्वल टू जीरो टू टू जीरो टू टी यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी इंटू डी टी बराबर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर डी आर वेक्टर। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इट्स इंटीग्रेशन में यू टी प्लस t का इंटीग्रेशन dt के टर्म में हाफ a t स्क्वायर बराबर r2 माइनस r1। अब तुम लोग को पता होगा ना कि r2 माइनस r1 को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विच इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट यानी s डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, आपका ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और धमाकेदार इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा, और वो क्या है देखते हैं, इस तरह देखो वी वेक्टर जो सॉरी एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है, एक मिनट पांच मिनट बच्चों फिर मैं छोड़ दूंगा, डीवी बाय डीटी, इसको हम लिख सकते हैं क्या है डीवी by dx into dx by dt। ठीक है, चेन रूल लगाया हूं और कुछ नहीं लगाया हूं। अब बताओ ये dx वेक्टर by dt तो v है ना, v into dv by dx dr मान लो, इसको एक समय के लिए dr मान लो, dr आ गया। ठीक है, इस dr को उस तरफ लेके जाओ, which implies that acceleration into dr वेक्टर पावर v डॉट dv। अब ये ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और सही बोलूं तो यहाँ r वेक्टर नहीं होगा क्योंकि कभी डिवीजन नहीं हो सकता वेक्टर से, तो अपन यहाँ पे सिर्फ अभी r लिख के छोड़ देते हैं, बाद में मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा, तुम लोगों को पता ही है ना कि वेक्टर, मैं तो बोल रखा हूँ ना कि वेक्टर से कभी डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए मैं r के ऊपर वेक्टर हटा रहा हूँ, वो कंपनसेट हो जाता है उसका चिंता चिंता नहीं करना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, r1 से r2, v1 से v से u, u से v,
दिस इज इक्वल, अब एक्सेलरेशन बाहर निकालो कि कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये ध्यान रखना, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस. दिस इज माई थर्ड, आवर थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन. समझ में इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने शुरू में चेन रूल लगाया, फिर एस डी आर उधर लेके गया, इंटीग्रेट किया आर वन से आर टू, ये डॉट प्रोडक्ट निकल, इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है. अब वी डॉट डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है ना एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू. बस भाई लिमिट पुट करना है वी यू से वी तक, तो क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, बस वही आया यहाँ पर मैंने लिख दिया इस टाइप से, तो मुझे ये आ गया. दिस इज माई थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन. अब इन तीनों इक्वेशंस को एक बार खुद से प्रूफ करके देखना अगले क्लास में, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस और फिर इस पर और समझेंगे क्या आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है, ये तीनों इक्वेशंस हमसे क्या बोलना चाहता है. ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है? चलो सब ठीक है.